नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जालंधर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ, कहा भाजपा उम्मीदवार अंगराल सबूत लेकर आए थे, सीएम मान मैदान छोड़कर भागे। भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव और उसको निरहुआ कल यानी शुक्रवार को पंजाब के जालंधर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शीतल अंगराल के लिए वोट मांगे और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पर भड़क गए। शीतल अंगराल द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को दी गई चुनौती तक निरहुआ ने कहा, जब सीएम से सवाल किया गया तो वह वहां से भाग गए। जालंधर में प्रचार के लिए पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव और उर्फ निरहुआ ने कहा, शीतल अंगुराल का स्वभाव ऐसा है कि वह लोगों की मदद करना चाहते हैं। अंगुराल ने गलत काम करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई। सीएम मान पर शीतल द्वारा लगाए गए आरोपों पर निरहुआ ने आगे कहा, अगर मुख्यमंत्री गुरुवार को आते तो वहां से सबूत लेकर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि सीएम मान वहां से भाग गए। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि आज ही जाओ, जनता सब जानती कौन सही है और कौन गलत, हमारा वोट प्रतिशत अन्य पार्टियों से ज्यादा है, आने वाले समय में भाजपा पंजाब में और सुधार करेगी। निरहुआ ने कहा, इस बार भाजपा वेस्ट हल्के से चुनाव जीतेगी।